मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में कल्याण के रहने वाले नारायण क्षीरसागर एवं कुमारी साधना नागर जी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि इन्होंने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र चकोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की है कि उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त किया जाए और उनकी संपत्ति की जाँच की जाए। इस दौरान नारायण क्षीरसागर जी का कहना था कि ये जो वारदात है ये दिनांक 9/9/2018 शाम को 8:30 बजे की घटना है। सामने वाले जो विरोधक हैं गए 6 महीना से हम लोगों को जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं, ब्याज का पैसा, लेकिन ब्याज का पैसा ना कोई सबूत है, ना कोई कुछ है, ना किसी ने लिया है। समस्या इनको जानबूझकर झगड़ा लेने का था। सामने वाले विरोधक अपना 100 फीट घर उनका लंबा है, उनका इलाका छोड़ते हुए हमारे दरवाजे के ऊपर आकर उन्होंने दिनांक 9/9/2018 को शाम 8:30 बजे झगड़ा किया है। इसी झगड़े का तुरंत हमने पुलिस स्टेशन को फोन किया है, पुलिस घटनास्थल पे नहीं पहुंची है तो हम तुरंत आधे घंटे में हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहाँ पे हमारा गुना दाखिल किया है, हम घर चले गए। घर जाने के बाद हमारे विरोधक वहाँ पे पहुँचे पुलिस स्टेशन में और हमको बुलाया गया है पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र चकोर नामक पुलिस अधिकारी ने, और वहाँ जाने के बाद मुझे आदेश नागम दोनों को तुरंत पुलिस कोठड़ी में भेज दिया है। हमने पूछा कि हमारा गुनाह क्या है, कसूर क्या है, तो वो जवाब सवाल करने का जरूरत नहीं है, चलो अंदर, ज़्यादा शानपट्टी नहीं करने का। उसके बाद जो साधना नामक लड़की है वो पूछताछ करने लगी, इनको क्यों अटक किया है, उनको भी गाली गलौज किया है, उनको बोला चलो बाहर निकलो, और उनको भी रात के 12 बजे के बाद में महेंद्र चकोर पुलिस उपनिरीक्षक कोलसेवाड़ी उन्होंने गाली गलौज करते हुए सीधा अंदर किया है, अटक किया उनको, और वहाँ पे उनको रात भर पानी नहीं पीने दिया, बाथरूम को जाने नहीं दिया है, और रात भर खड़ा रहने की सख्ती किया है, और सुबह उनको 8 बजे छोड़ा है, और हमको भी 8 बजे छोड़ा है। टोटल 21 घंटा हमको अंदर रखा है, कोई कसूर नहीं था हमारा। तो हमारी एक ही मांग है, पुलिस पंचनामा करना चाहिए, तपास करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, और जो भी कलम है, जो भी सजा है, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारी गलती नहीं थी, हमारे अमानवीय प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने संगनमत किया है, भ्रष्टाचार किया ये पुलिस ने, इसलिए पूरा हमारा दावा है। और उस पुलिस के प्रांगण में जो हमारे विरोधक के साथ में जो लोग आए थे उसमें से कुछ लोगों ने संदेश नागम के ऊपर हमला किया है। हमले में छुड़ाने के लिए उनकी बहन साधना नागम दौड़ी, उनको भी उन्होंने मारा है, और महेंद्र चोकर देखता रहा, तमाशा देखते रहा। ये कानून का रक्षक नहीं, ये कानून का भक्षक है। इसलिए हमारी मांग, महेंद्र चकोर नामक पुलिस उपनिरीक्षक को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, इनके संपत्ति की जांच करना चाहिए, और जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है वो उनको भी अटक करने की हमारी मांग है। इसी प्रकार कुमारी साधना नागर जी का कहना था कि मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, उसने मेरे को अरेस्ट किया है। हमारे घर के सामने ना थोड़ा बचावाचे हो गई थी मामूली सी, तो हम लोगों ने कंप्लेंट की थी, पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस आए ही नहीं थे उधर। कंप्लेंट करने के बाद हम लोगों को बोल दिया कि तुम जाओ सुबह देखते है करके। उसके बाद आधा घंटे में उन्होंने हम लोगों को फिर से फोन किया कि बोला पुलिस स्टेशन आ जाओ। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, दोनों को, मेरे भाई को और क्षीरसागर साहब को अंदर डाल दिया। बाद में आधा घंटे के बाद मैंने पूछा क्यों इनको अंदर डाल दिया, तो मेरे को भी अरेस्ट किया। मेरे को पूरा रात भर खड़ा करने के लिए, रहने के लिए बोला, मैं खड़ा रह गया। मेरे को पानी पीने के लिए नहीं दिया, एक नंबर दो नंबर में जाने के लिए नहीं दिया। 5,000 की लाच मांग रहे थे, बोल रहे थे कि 5,000 दे दो तो छोड़ देता हूँ, अगर 5,000 नहीं देंगे तो इधर ही रखता हूँ। कैमरामैन युवराज के साथ सुचिता कांबले, SNTV न्यूज़ मुंबई।